राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर अजमेर के 14 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में विशाल रक्तदान का आयोजन रखा गया, जहां हजारों विद्यार्थियों के साथ ही अलग अलग लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, MDS यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी स्टडी सर्किल सहित विभिन्न संस्थाओं की ओर से 300 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया, जिसे पूरा कर लिया गया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आज राजीव गांधी स्टडी सर्किल अजमेर जिला एवं राजकीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें अभी तक 115 संकाय सदस्यों, कर्मचारियों एवं छात्रों, जिसमें NCC और NSS के छात्र भी सम्मिलित है, ब्लड कर चुके हैं। हमारे यहाँ कुल 1200 से अधिक संकल्प पत्र भरे गए हैं और शाम तक जो संख्या है वह लगभग 300 यूनिट ब्लड क्रॉस करेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में आपके संकाय सदस्य छात्रगण आ रहे हैं, इस हेतु हम सभी का ब्लड नहीं ले सकते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कंटिन्यू चल रहा है और निरंतर चल रहा है, जितनी भी टीम आई है वो पूर्णतः व्यस्त है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि एक एक बूंद जो ब्लड की है वह रक्तदान महादान है। महात्मा गांधी का संदेश है कि सत्य और अहिंसा और शांति से ही विश्व का हल हो सकता है, और आज विश्व में अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस भी घोषित किया जा रहा है। कुल अजमेर जिले में 14 कैंप लगाए गए हैं और अजमेर शहर के लिए भी जो 5 कैंप लगाए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो कैंप है उनमें हमारा ये और महिला कॉलेज दोनों मिला करके, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से ऑलमोस्ट 250 यूनिट ब्लड जो है हम इकट्ठा कर पाएंगे। और ये महात्मा गांधी जी को आज 150वीं उनके जयंती पर एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। अजमेर शहर की तरफ से पूरा प्रयास है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा सफल कर पाएँ। रक्तदान बहुत बड़ा दान माना जाता है और ये एक समय है, आज हर आदमी ब्लड डोनेशन देने के लिए यहाँ प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रेरणा अगर जगह जगह तक पहुँच गई तो हमें ब्लड के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होना नहीं पड़ेगा। एक समय था जब जो ब्लड के नाम पे लोग अपने परिवार को, रिश्तेदार को छोड़ के भी चले जाते थे, और आज हमारे पास वो समय है जब हम जिसको फ़ोन पे बुलाएं तो हमारे पास 10 लोग ब्लड डोनेशन के लिए आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, गरीबों के लिए, मरीजों के लिए, जिनको एक्सीडेंट में अगर कोई आया, कोई साथ परिवार नहीं हो तो उनके साथ ये बहुत बड़ा एक ब्लड जो हमारा है, ये हर यूनिट का, कोई भी यूनिट जो ब्लड हमें किसी भी ग्रुप का चाहिए वो सब मिल जाता है। हमारे पास टोटल 3,800 स्पेस जो है हमारे पास अभी है, वेकेंट है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास 3,800 यूनिट तो आ ही जाएगा। उसके अलावा जो लोग आज ब्लड नहीं दे पाएंगे उनसे सबसे संकल्प पत्र भरवाया गया है और उसको राजस्थान की वेबसाइट रक्तदाता.org पे रजिस्टर्ड किया गया है। जब भी हमें ब्लड की जरूरत होगी हम उनको कॉल कर सकते हैं और वो हमेशा हमें ब्लड देने के लिए तत्पर रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही अजमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में राजकीय कन्या महाविद्यालय से जुड़ी छात्राओं ने रक्तदान कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह रक्त गंभीर मरीजों के इलाज के लिए संग्रहित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की ये मानव कल्याण योजना है और इस गांधी सप्ताह, गांधी पखवाड़े के तहत 2 अक्टूबर 2019 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और इसमें विभिन्न जो कॉलेजेज हैं, दूसरे जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, क्लस्टर कॉलेजेज हैं वो भी, इसके अलावा वन विभाग और NCC, ये सब लोग जो है यहाँ आज जो है शिविर में आकर के रक्तदान कर रहे हैं। सुबह IFS सुदीप्ति कौर मैडम है, उनके द्वारा इस शिविर का शुभारंभ किया गया और इस समय तक जबकि 1:30 बज रहा है 58 यूनिट यहाँ जो है इस शिविर में रक्तदान हो चुका है। लक्ष्य तो हमारा तो 100 से ऊपर ही है, क्योंकि वैसे टारगेट हमें तो 300 दिया, पर गर्ल्स कॉलेज है, हमारी लड़कियों में होमोग्लोबिन कम होता है। इसके अलावा जो क्लस्टर कॉलेज हैं, उसमें प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ उनकी जो स्टूडेंट की संख्या वो भी कम होती है, तो उस दृष्टि से, पर ये चूँकि राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर है इसलिए हम चाहते हैं कि भाई 100 से ऊपर तो यूनिट रक्तदान हो। यहाँ पर हमारे यहाँ पूरी जो छात्र संघ पदाधिकारी हमारे वो लग रहे हैं, NCC NSS यूनिट सब काम कर रही हैं, सारे संकाय सदस्य काम कर रहे हैं, तो हमारी अपेक्षा तो यही है
और जनाना अस्पताल के डॉक्टर बीलवाल है, सोनी साहब भी आए थे सुबह। तो ये हमारा तो लक्ष्य तो ये है, इसमें विशेष बात ये रही कि हमारा जो फैकल्टी है उस फैकल्टी में डॉक्टर शमा खान जो नेवल की एनसीसी यूनिट फर्स्ट की लेफ्टिनेंट भी अधिकारी भी हैं और डॉक्टर अलका पवार हैं इंग्लिश में, इन दोनों ने भी रक्तदान किया है। इसके अलावा हमारी शासन पदाधिकारी नेहा जोशी, उसने भी यहाँ आज रक्तदान किया है। तो इनको प्रमाण पत्र तो हम दे ही रहे हैं, बाकी सारी व्यवस्था है, इनको सर्टिफिकेट देंगे सबको। और लक्ष्य ये है कि ये योजना मानव कल्याणार्थ जो योजना है